हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे दो और लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस की। एक है एक्स आर ए एम और दूसरा है आपका एक्स आर आई डेटा। तो देखिए, एक्स आर ए एम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे हम सारे इंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकेशन वगैरह अभी तक आपको बताते आए हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स आर ए एम से। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ये एक्स आर ए एम, इसका निमोनिक जो होता है वो होता है एक्स आर ए एम। ये ऑपरेशन क्या करता है, ये एक्स आर ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसका और मेमोरी में जो कंटेंट है उसके साथ, और जो रिजल्ट होता है वो स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। 2 मशीन साइकिल इसमें यूज होती है, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड। एल्गोरिथम इसका क्या है, ए एक्सॉर होगा किसके साथ, मेमोरी कंटेंट के साथ, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब इसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग ये सब मॉडिफाई होते हैं, ये दिखाने के लिए कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा। और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट रहता है और कैरी फ्लैग भी रीसेट रहता है, ठीक है। उसके बाद एड्रेसिंग मोड, इसमें हम चूंकि मेमोरी यूज कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब कि इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है इस इंस्ट्रक्शन में। और टी स्टेट्स कितना यूज होता है, 4 और 3, 7। 7 टी स्टेट्स यूज होती है, 4 हो गया ऑपकोड फेच के लिए और मेमोरी रीड के लिए हो गया 3, तो 7 टी स्टेट इसमें यूज की जाती है। अब इसको सिंपली इसका डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिखें तो ये हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये लॉजिकली एक्सआर ऑपरेशन, एक्सआर, ठीक है, डेटा इन मेमोरी लोकेशन, और किसके साथ ये एक्सआर करता है, विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है और मेमोरी में जो डेटा है उनका आपस में एक्सॉर ऑपरेशन होता है। दिस इंस्ट्रक्शन विल लॉजिकली एक्सॉर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज गिवन बाय द एचएल रजिस्टर पेयर। तो एड्रेस कहाँ से पता चलता है मेमोरी लोकेशन का, एचएल रजिस्टर पेयर से। और यहाँ पे भी ऑपरेशन बिट बाई बिट परफॉर्म होता है। अब मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, हमने कहा एक्सआर ए एम, ठीक है। इनिशियली हमने मान लिया कि एक्यूमुलेटर में क्या डाटा है, एक्यूमुलेटर में हमने मान लिया A5 है, ठीक है। एच एल रजिस्टर पेयर के एच रजिस्टर में है 50H, एल में है 05H, और एट मेमोरी लोकेशन किस पे, 5005H पे जो डाटा है वो डाटा है हमारे पास 50, ठीक। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ए में क्या है, A5, A5 मतलब 10 और 5, तो ये हो गया 1010 और 5 हो गया 0101, तो ये आ गया आपका A5H। उसके बाद एच एल रजिस्टर पेयर में यहाँ पे क्या है, एच में है 50 मतलब 0101 और 0000, ये 50 मतलब 5 ये हो गया 0000, ये डाटा आ गया यहाँ पे आपका 50H। जब इनमें एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो जो रिजल्ट आएगा ये 10, तो डी सिमिलर है, तो डी सिमिलर का क्या होगा 1, ये हमने बताया था लास्ट वीडियो। 00 है, सिमिलर है, तो इनका आउटपुट क्या होगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर 0। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली हम ये करेंगे कि इसमें एक्यूमुलेटर में जो है ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 1111 और 0101, मतलब कि रिजल्ट आ गया आपका सीधा सीधा F5, तो ये उस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा F5, ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन काम करेगा, ये आपका एक तरह से ये हो गया रिजल्ट। फ्लैग्स के जो स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैग का स्टेटस देखिए, साइन फ्लैग हो गया आपका 1, जीरो फ्लैग हो गया 0,
ऑक्सिलरी कैरी मैंने पहले ही बताया था, जीरो रहेगा, कैरी फ्लैग जीरो रहेगा, और पैरिटी फ्लैग जो है 4 2 6 इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग हो जाएगा 1। तो ये आपका फ्लैग का स्टेटस रहेगा जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहेगा हो जाएगी। अब अगर हम इसको रजिस्टर में शो करना चाहें कि रजिस्टर में क्या स्थिति रहेगी, तो सबसे पहले आपको, चूंकि आप मेमोरी साथ में हैंडल कर रहे हैं इसके, तो आपको पहले मेमोरी दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका से मेमोरी हमने बताया यहाँ पे, ये बना दिया हमने मेमोरी, ठीक, ये हो गया मेमोरी। अब मेमोरी में जो एड्रेसेस हैं, जैसे मान लीजिए 5004 से हमने स्टार्ट किया, सपोज कीजिए ये 5004 हो गया, ठीक है, दिस इज 5004H, ये हो गया 5005H, ये हो गया 5006H, एंड सो ऑन। अब इनिशियली क्या है, इनिशियली बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में क्या है, A5। तो एक्यूमुलेटर मान लीजिए हमने दे दिया, एक्यूमुलेटर में है A5 और 5005H मेमोरी लोकेशन पे डाटा क्या स्टोर है, 50। तो यहाँ पे हो गया 50। अब इन दोनों डाटा का एक्सोरिंग होगी, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये एक्सोर गेट लगा दिया, एक डेटा आ जाएगा आपका इधर से, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने ले लिया एक डाटा, तो ये आ गया एक्यूमुलेटर से, मान लीजिए ये आ गया इसमें, या इसको थोड़ा और कायदे से बना लीजिए ऐसे से, सपोज कीजिए ये आ गया एक्यूमुलेटर का डाटा इसमें, और दूसरा डाटा आ जाएगा ये 50, ये आ गया इसमें, और इन दोनों का जो आउटपुट है वो वापस चला जाएगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में यहाँ पे। तो जो इनका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है F5, तो ये हो गया F5, ठीक। अब ये जैसे आपका, इसको फिर से आप ड्रॉ कर दीजिए, ये गलती से डिलीट हो गया था ये, ठीक है, और मेमोरी जैसे था, मेमोरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जो भी कंटेंट मेमोरी के जैसे थे बिफोर एग्जीक्यूशन वैसे ही आफ्टर एग्जीक्यूशन इसके अंदर स्टोर रहेंगे। जैसे आपने F5004H, F5004H, फिर आपने कहा 5005H, फिर आपने कहा 5006H, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे 50 था वो 50 ही रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज मेमोरी, और इस तरह ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्लैग कंडीशन जो है वो भी आप, साइन फ्लैग क्या होगा उसको आप मेंशन कर दीजिए 1, 0 फ्लैग हो गया 0, ऑक्सिलरी कैरी 0, पैरिटी फ्लैग 1 और कैरी फ्लैग 0। तो ये स्थिति रहेगी रजिस्टर में, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर एक्स ऑर्ड with contents of memory location, the result is stored in accumulator. And as far as timing diagram of this logic instruction, it will be discussed after all the logic instructions are covered. ठीक है, तो इस तरह से आप इस instruction को भी execute करा सकते हैं। इसके बाद जो instruction आती है, ये तो मेमोरी में डाटा है उसके साथ एक्सोरिंग करानी। अब मान लीजिए हमने कहा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम डिस्कस करते हैं वो है XRI, ठीक है, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।